सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ऑरलैंडो ट्रिप की पूरी तैयारी हो गई है। मेरा बैग पैक हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस जिप में मैंने कुछ अपने बच्चे की टॉयज़ को पैक किया हुआ, उसके कलर, ड्राइंग बुक, इन सब को, जिससे वो ट्रिप में पूरी एंगेज रहेगी। और इस छोटे से बैग में आप देख सकते हैं मैंने अपने कुछ मेकअप आइटम पैक किए हुए हैं, जैसे कि सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइज़र, कॉम, परफ्यूम, छोटे मोटे आइटम हैं, मेकअप क्लीनर जैसे। और इस छोटे से क्यूट से बैग में मेरी बेबी के स्नैक्स आइटम हैं, और वो इस बैग को कहीं कहीं पे यूज़ करेगी, इसलिए मैं इसे ली हुई हूँ। और इस बैग में आप देख सकते हैं ये मेरे हबी का है, जिसमें उनके शेविंग किट, लोशन है, उनका कॉम है। और इसमें अंदर में मैंने जिप किया है अपने ब्रश, छोटा सा टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, हम तीनों का है इसमें, उसको मैंने इस तरह से सेट किया है। इस छोटे से क्यूट से बैग में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है मेरी बेबी के हेयर क्लिप्स को। आप देखिए यहाँ पे मैंने कलरफुल उसके क्लिप्स हैं बहुत सारे, जो कि मैं उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच करके उसको हेयर में सेट करूँगी। और इस बैग में मेरी नाइट ड्रेसेस हैं। ये बहुत ही विजिबल बैग है, ट्रांसपेरेंट है, तो मैं बहुत ईजिली इसे देख सकती हूँ कि मुझे कौन सा ड्रेस चाहिए। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने ऑर्गेनाइज़ किए अपने ड्रेसेस को ड्रेस डे वाइज में, जैसे जो ड्रेस मुझे पार्क पहन के जाना है, जो ड्रेस मुझे बीच पहन के जाना है, उस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे बहुत ही ईजिली पता चल सकता है कि मुझे कौन सा निकालना है। और यहाँ पर मैंने हेयर स्ट्रेटनर रखा है। इस बैग में मेरी बेबी के ड्रेसेस हैं, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का जैकेट है, और यहाँ पर मैंने इनर को पैक किया हुआ है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस हैं इस वाले जिप लॉक में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्यूट सा अम्ब्रेला है मेरी बेबी का, जो वो यूज़ करेगी इस ट्रिप में। और मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अपने बैग को। आइए मैं अपर जिप में दिखाती हूँ। मैंने छोटे मोटे से आइटम रखे हुए हैं, जैसे कि इस बैग में मैंने अपने मेडिसिन, फर्स्ट एड किट रखा है, जैसे कि ये मेरा पोर्टेबल हैंडी फर्स्ट एड किट है, जिसमें कि मैंने कुछ एंटीसेप्टिक वाइप्स रखे हैं, कुछ पेन किलर मेडिसिन, हेडेक मेडिसिन रखा हुआ है, बैंडेज रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है जब आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि अगर कभी भी चोट लगा तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास खुद सब कुछ होगा, जैसे फास्ट रिलीफ है, इनो है, एक बहुत ही छोटा सा नेल कटर भी रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे दौड़ते हैं या कुछ तो उनका नेल्स कभी कभी निकलने लगते हैं, तो आप उसे कट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से मैंने जिप में सब कुछ डाला हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के इनर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इस तरह से जिप लॉक में। और इस जिप लॉक में मैंने उसके हेयर बैंड्स को रखा है। इस छोटे छोटे आइटम को मैंने ऊपर में इसलिए रखा है ताकि आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ये छोटा सा क्यूट सा शिमरिंग जो हैंडबैग है, ये मेरी बेबी का है। इसमें उसने अपने सनग्लास को रखा हुआ है, बहुत ही क्यूट है। वो इसको बीच पे यूज़ करेगी, या पार्क जा रहे हैं हम वहाँ पर, थीम पार्क, हम वहाँ यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने बैग को। और इस वाले जिप लॉक में मैंने अपने हस्बैंड के, मेरे बेबी के सॉक्स हैं, और आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे से पर्स हैं जिसमें मैंने अपने मेकअप आइटम रखे हैं, जैसे कि आईब्रो पेंसिल हुआ, लिपस्टिक हुआ, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये एक बहुत ही क्यूट सा हैट है जो मेरी बेबी ने ख़रीदा है बीच पे पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सनी होगा तो वो वहाँ से यूज़ करेगी। और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना बैग को बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आप क्विकली कोई भी चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बैग में कि कहाँ पे आपने क्या रखा है। और जब बैग आप स्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि सारे सामान एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने पे वो सभी अपने प्लेस पे रहेंगे, बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और हम अपने बैग को ज़िप कर लेते हैं। अब हमने बाकी के फूड आइटम ऑलरेडी रख लिए हैं कार में, अब हम जो अपना मेन ट्रैवल बैग है उसे भी कार में रखने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ऑरलैंडो जाने के लिए, उसे फटाफट डिज्नीलैंड पहुँचना है, मिकी माउस, मिनी माउस को देखना है, डेजी, डोनाल्ड डक के साथ खेलना है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। किसी भी जर्नी में जाने से पहले सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मेरे हस्बैंड रिया को भी सिखा रहे हैं। हम लोग अच्छे से डिज्नीलैंड पहुंच जाए। थैंक यू भगवान जी। भगवान जी।
big one. So friends, we are leaving for our journey to Orlando. Bye bye. Nia, say bye bye. Bye bye. फ्रेंड्स हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, पूरा पैक है। ये इसका सैंड टॉयज है जो हम लोग बीच पे इस मेरी बेटी खेलेगी रेया, और सब कुछ पैक हो गया है। अब मैं अपनी रेया को कार सीट में बैठाऊंगी। Set to go. See you, Orlando. We are coming. Hey, Rhea, what are you doing? Did you do the colors? Yes. Show me the pages that you colored. Oh, so nice. You did a nice color, Rhea. Where are we going? To Disneyland. Disneyland. और फ्रेंड्स यहाँ पे अब शाम होने वाला है, कुछ 6 बजने वाले हैं। हम लोग आफ्टरनून में निकले थे और मेरे हस्बैंड अभी ड्राइव कर रहे हैं कार को, और मेरी रिया जो है वो पीछे की सीट पे कार सीट में बैठ के बहुत ही इन्जॉय कर रही है। वो पूरा सुपर एक्साइटेड है, कुछ इवनिंग स्नैक्स कर रही है। यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है आज। तो फ्रेंड्स फाइनली हम डेटोना पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ही एक डेटोना बीच है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच है। तो हम यहाँ पे आज रात होटल में रुक के सुबह में हम बीच के लिए निकलेंगे। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। तो फ्रेंड्स अब मॉर्निंग हो गया है, हम फ्रेश होके होटल से निकल चुके हैं बीच पे जाने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू से हाय टू एवरीवन। हाय टू एवरीवन। हाय, वी आर गोइंग टू बीच नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश, राजश्री किचन टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ऑरलैंडो सी बीच जाने वाले हैं। ये डेटोना बीच है जो ऑरलैंडो जाने के रास्ते में आता है। तो बहुत ब्यूटीफुल बीच है फ्रेंड्स। मेरी डॉटर जैसे कि आप देख सकते हैं वो पीछे बैठी है कार सीट में, और ना मेरी वाइफ भी यहाँ पे है राजश्री। तो हम लोग आज बहुत फन करने वाले हैं, एंड मैं आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पाम ट्रीज एंड बीच ये सब दिखाऊँगा। तो चलिए फिर हम लोग इन्जॉय करते हैं। We are all set to go to the beach. Super. हम यहाँ पर अपने एक फ्रेंड्स के साथ भी आए हैं। हमारे फ्रेंड की जो बेटी है वो रिया की बेस्ट फ्रेंड है, और रिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है बीच पे जाने के लिए। Come here. Hey, see the dolphins. Yay. Okay, see the dolphins. Yay.
Welcome, Dolphin! फ्रेंड्स, अब हमारा बीच ट्रिप एंड हो गया है। हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम ऑरलैंडो पहुंच चुके हैं। हम अपने रिजॉर्ट में एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। रिया बीच पे से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और वो कार मिस हो गई है। अब हम अपने रिजॉर्ट के रूम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम 3 नाइट स्टे करेंगे। हमारा रिजॉर्ट का एंट्रेंस है, जो हमारा बिल्डिंग है। आइए हम लोग और देखते हैं। लिफ्ट की तरफ चलते हैं, इस तरफ हमारा एलिवेटर है। हम रूम में एंटर कर रहे हैं। रूम में एंटर करते ही यहाँ पे किचन दिया हुआ है। आइए देखते हैं किचन में क्या क्या दिया है इन्होंने, क्योंकि जब हम बेबी के साथ जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारा किचन भी रहे रूम में, ताकि हम जो भी मेरा बेबी को अच्छा लगे मैं उसके लिए बना सकूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे स्टफ़ दिए हुए हैं किचन के। इस तरफ डाइनिंग स्पेस है और काफ़ी स्पेशियस दिया है, बहुत ही अच्छा है। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पैटियो है, बालकनी। अटैच मास्टर बेडरूम है और जो बेडरूम है उसमें क्रिब दिया हुआ है बच्चे के लिए, बट मेरी रिया इसमें कभी भी नहीं सोएगी, तो क्योंकि उसे बहुत ही आदत है मेरे पास सोने का। वो बहुत ज़्यादा मम्मा से अटैच्ड है तो वो इसमें तो कभी भी नहीं सोएगी। मेरे हस्बैंड अभी सामान सब अंदर कर ही रहे हैं। क्लोज़ेट भी है, वाओ, क्लोज़ेट इज़ आल्सो स्पेशियस। यहाँ पे लॉकर भी है एक, जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट अगर ज्वेलरी या कोई इम्पोर्टेंट सामान आप अपना रखना चाहते हैं तो आप इस लॉकर में रख सकते हैं। और इसका कोड है मेरे पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। और बेडरूम से अटैच में यहाँ पर रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम भी बहुत क्लीन और हाइजीनिक है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा वॉशर ड्रायर है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ इवनिंग में हम आए हैं रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल एरिया में। यहाँ पे इनका हीटेड स्विमिंग पूल स्पा है और वहाँ पर हमने सोचा कि थोड़ा टाइम वहाँ पे भी स्पेंड कर लेते हैं। और मेरी रिया और उसकी फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है स्विमिंग पूल में आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में।
Roses, pocket full of poses, a DC, a DC, we all fall down. और अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो गया है और हम सी वर्ल्ड जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मेरे हस्बैंड रिया को कार सीट में बैठा रहे हैं। Where are we going? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग सी वर्ल्ड जा रहे हैं बेटा। हम लोग वहाँ पे डॉल्फिन देखेंगे, हम लोग वहाँ पे व्हेल देखेंगे, हम लोग वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, सी एनिमल्स देखेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग ऑलमोस्ट सी वर्ल्ड पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने पार्क किया है कार, हम सी वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं अभी। और ये सी वर्ल्ड का एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर करके यहाँ पे एक छोटा सा क्यू है जहाँ पे हमारा लगेज चेक होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा का वेदर बहुत ही अच्छा है, न ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, न ठंड है बिल्कुल भी। और अब रिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, आप देख सकते हैं कि उसे फटाफट जाकर ऑर्का का शो देखना है, तो हम उसके लिए ही आगे शैमूज स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं ऑर्का शो देखने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, जो सी वर्ल्ड का ऑर्का शो है वो मेरा फेवरेट शो है और रिया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो तो बार बार वंस मोर कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है ये शो। इस तरह से हमारा ऑर्का शो यहाँ पर ख़त्म होने को आया है और अब हम चलेंगे डॉल्फिन शो की तरफ। दोनों ही बच्चे थोड़े टायर्ड हो गए हैं क्योंकि पार्क जो है वो बहुत ही बड़ा है और दोनों को ही वॉक करके चलना है, तो दोनों थोड़े टायर्ड लग रहे हैं। तो हम यहाँ से कुछ स्नैक्स करते हुए डॉल्फिन शो की तरफ बढ़ रहे हैं आगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे डॉल्फिन शो भी एंड हो गया है और हमने कुछ कुछ और भी शोज़ देखे पार्क में और अब बहुत ही इवनिंग हो गया है तो बच्चे भी बहुत ही टायर्ड हो गए हैं तो हम रिजॉर्ट की तरफ वापस जाएंगे। और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया, उन्हें सी वर्ल्ड में बहुत मज़ा आया और अब हम रिटर्न हो रहे हैं रिजॉर्ट के लिए। तो इस तरह से हमारा आज का दिन एंड हुआ। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया सी वर्ल्ड में, बहुत ही इंजॉय किया, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब कल हम मैजिक किंगडम के लिए निकलेंगे और अब नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो गया है और हम मैजिक किंगडम के लिए ऑल सेट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मैजिक किंगडम का एंट्रेंस है और यहाँ के बाद हम अंदर में ट्रैम के थ्रू जाएंगे और रिया बहुत ही एक्साइटेड है ट्रैम में बैठकर। और इसके बाद हम फेरी के थ्रू मैजिक किंगडम के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मोनोरेल के थ्रू भी जा सकते हैं बट हम यहाँ पे फेरी के क्यू में खड़े हैं और अब यहाँ से हम अपना मैजिक किंगडम भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हम मैजिक किंगडम के अंदर पहुँच गए हैं। हमने एक जॉइंट स्ट्रॉलर ले लिया है दोनों बच्चों के लिए। किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो परेड होता है जो कि मिकी माउस, डोनाल्ड डक इन सब का होता है। बहुत ही अच्छा लगता है प्रिंसेस परेड्स। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के राइड्स भी हैं जो कि बहुत ही इंजॉयबल हैं। तो हम लोग बहुत सारे राइड्स भी यहाँ पे किए, हमने परेड भी सारे देखे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। Yeah.
और फ्रेंड्स इस तरह से हमने परेड देखा, राइड्स किए, यहाँ पे बहुत सारे शोज़ देखे और अब काफ़ी इवनिंग हो चुका है। इसके बाद थोड़ा फायरवर्क्स है नाइट में, हम वो देखकर रिजॉर्ट रिटर्न हो जाएंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आज का दिन मैजिक किंगडम में एंड हो गया है और अब हम रिटर्न हो जाएंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किए हैं, तो उनकी खुशी में हमारा खुशी है और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। आज नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और हम लोग आज शार्लेट के लिए रिटर्न हो रहे हैं और हमारा ऑरलैंडो का जर्नी यहाँ एंड हुआ। आप देख सकते हैं कि रिया और मेरे हस्बैंड दोनों ही रेडी हो गए हैं निकलने के लिए।